भारत और बांग्लादेश दोनों स्वाभाविक मित्र हैं। स्वाभाविक इसलिए क्योंकि बांग्लादेश के बनने में भारत का अहम और निर्णायक योगदान रहा है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश को एक अलग और आज़ाद देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश भारत ही था और दिसंबर 1971 में अपनी आज़ादी के तुरंत बाद ही बांग्लादेश ने भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए थे। तो इस तरह भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते ऐतिहासिक होने के साथ साथ सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक आदि के रूप में गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। लेकिन ये बात भी जग जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी देश अपने हितों को ऊपर रखता है बजाय भावनात्मक होने के, और यही वजह है कि बांग्लादेश अपने हितों के लिए भारत के साथ साथ चीन को भी तरजीह देता है। ये तरजीह कई बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गलियारों में भारत से दूरी की खबरों में तब्दील हो जाती है, लेकिन समय के साथ दोनों देशों की दोस्ती इन खबरों को धूमिल कर देती है। अब आप पूछेंगे कि इन सब बातों को आज बताने की क्या वजह है। तो दरअसल बीते दिनों भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन की शुरुआत की है। दोनों देशों के बीच ये पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन को करीब 377 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। और खास बात ये कि इस पूरी रकम को भारत सरकार द्वारा वहन किया गया है। खैर, इस मैत्री पाइपलाइन की सुर्खियां बन ही रही थी कि प्रधानमंत्री हसीना ने पाइपलाइन के उद्घाटन के दो दिन बाद ही भारत को चटगांव और सिलहट के बंदरगाहों का उपयोग करने की पेशकश कर दी। उन्होंने कहा कि ये कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा और क्षेत्र में लोगों से लोगों के संपर्कों को भी बढ़ाएगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री हसीना ने इस पेशकश के दौरान चीन के दबाव को भी नजरअंदाज कर दिया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस पेशकश के क्या मायने हो सकते हैं या भारत के नजरिए से इसके क्या निहितार्थ निकाले जा सकते हैं। साथ ही इन बंदरगाहों का सामरिक रूप में क्या महत्व हो सकता है, और इसके अलावा सवाल ये भी है कि सीमा पार शुरू की गई मैत्री पाइपलाइन से किसे फायदा होगा। मगर सबसे पहले बंदरगाहों की पेशकश वाले सवालों का जवाब तलाशते हैं। तो पिछले कई सालों से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में वृद्धि के लिए भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण रहा है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी दोनों देशों के बीच सहयोग की एक नई भावना का संचार कर रही है। इसके साथ ही ये पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी खासी मददगार साबित हो रही है। इन राज्यों में विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। ये चारों राज्य बांग्लादेश के साथ करीब 1879 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत रेलवे और जलमार्गों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ विभाजन पूर्व के कई व्यापार मार्गों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इनमें से ज्यादातर सड़कें चटगांव बंदरगाह की ओर जाती हैं। असल में ये बंदरगाह ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र के व्यापार और वाणिज्य में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा सुविधाजनक रहा है। इस बंदरगाह के महत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि ब्रिटिश सरकार ने यहाँ से पूर्वोत्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में सामान भेजने के लिए असम बंगाल रेलवे मार्ग का निर्माण किया था। उस दौरान यहाँ से अरुणाचल प्रदेश और असम सीमा के पास लेखापानी स्टेशन तक माल भेजा जाता था। हालांकि अब ये रेलवे स्टेशन निष्क्रिय हो चुका है। इसके अलावा भारत का पूर्वोत्तर इलाका कई मामलों में संवेदनशील क्षेत्र है। इसकी भौगोलिक स्थिति और इलाके में पहुंच के रास्ते बेहद सीमित हैं। यहां पहुंचने के लिए अगर भारत में मुख्य रास्ते की बात करें तो इसके लिए खास तौर पर संकरी पट्टी के रूप में सिलीगुड़ी गलियारा ही दिखता है। इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण इसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मुर्गी की इस गर्दन को हलाल करने की मंशा से भारत के दुश्मन ताक पर बैठे हुए हैं। हालांकि भारत की अपनी सुरक्षा चाक चौबंद है, लेकिन इसे और दुरुस्त करने के लिए चटगांव और सिलहट बंदरगाह रणनीतिक रूप से मददगार साबित हो सकते हैं। इस तरह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से निकटता के कारण बांग्लादेश के इन बंदरगाहों का आर्थिक तौर पर तो महत्व है ही, लेकिन साथ में सामरिक रूप में भी ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए इसके बाद अपने अगले सवाल पर आते हैं कि मैत्री पाइपलाइन से किसे फायदा होगा। तो जानकारी के मुताबिक सीमा पार पाइपलाइन असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड मार्केटिंग टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन पार्वतीपुर डिपो तक डीजल पहुंचाने का काम करेगी। इससे पहले भारत से बांग्लादेश में तेल भारतीय रेल के जरिए भेजा जाता था, बाद में इसे सड़क मार्ग से आगे पहुंचाया जाता था। लेकिन अब इस पाइपलाइन के शुरू होने से तेल के यातायात में होने वाला बांग्लादेश का खर्च बचेगा। एक्सपर्ट्स की माने तो कनेक्टिविटी के लिहाज से ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इसका सीधा फायदा बांग्लादेश को होगा।
इससे उसे भारत से तेल लेना तो सस्ता पड़ेगा ही, साथ ही उसे तेज गति से भी तेल मिलेगा और इस लिहाज से ये पाइपलाइन बांग्लादेश के उद्योगों के लिए मददगार हो सकती है। आने वाले समय में बांग्लादेश को ऊर्जा सुरक्षा और सतत ऊर्जा के लिए खुद को तैयार करना होगा। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया भर में ऊर्जा सुरक्षा एक अहम मुद्दे के रूप में उभर कर सामने आया है और ऐसे में बांग्लादेश के लिए मैत्री पाइपलाइन को एक सकारात्मक शुरुआत कहा जा सकता है। हालांकि ये पाइपलाइन भारत के लिए भी फायदे का सौदा है, इससे बांग्लादेश में भारत के खिलाफ नकारात्मक माहौल को काफी हद तक बदला जा सकता है। इसके अलावा भारत के प्रति बांग्लादेश के विश्वास को मजबूत करने में भी ये मदद कर सकती है। इसके अलावा एक तरफ जहां चीन क्षेत्र में अपनी आक्रामक निवेश नीति के माध्यम से अपने मंसूबों को धार दे रहा है, वहां भारत की मैत्री पाइपलाइन जैसी परियोजनाएं संतुलन का काम कर सकती हैं। लेकिन इस मामले में विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि बांग्लादेश में भारतीय निवेश को केवल चीन वाले नजरिए से देखना सही नहीं है, बल्कि इसे पूर्वोत्तर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संदर्भ में देखना चाहिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। चलिए अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल। सवाल है, भारत के लिए रणनीतिक रूप से पड़ोसी देश अत्यधिक महत्व रखते हैं, लेकिन उन सब में बांग्लादेश सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस कथन की तार्किक विवेचना कीजिए।